सफात का सफर हमारा शुरू हो गया। अब यहाँ से हम रावलपिंडी से निकल चुके हैं, देखते हैं आगे कितना सफर है, क्या है कुछ आइडिया नहीं। पहली बार जा रहे हैं, बचपन में गया, छोटा था जब गया था। 1, 2, 3, come on। रास्ते में मोटरवे चलने से पहले पहले हमने यहाँ से टंकी फुल करा रहे हैं ताकि वहाँ परेशानी ना हो। तकरीबन 260 किलोमीटर तक का सफ़र है, तो इंशाल्लाह ये कि पहुँच जाएंगे वहाँ पे, आराम से पहुँचेंगे। टंकी आधी होगी, अभी भी तकरीबन ये है कि 3 साल हैं इसके अंदर ऑलरेडी। तो अब देखते हैं टोटल पेट्रोल कितना आएगा और कैसा सफ़र है, क्या है सब चीज़ें, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं। 3,250 का पेट्रोल डला है इसमें, 29 लीटर, तकरीबन 30 लीटर तक का पेट्रोल है। तो निकलते हैं इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे M1 पे हम चढ़ने लगे हैं। वहाँ से हम सीधे हाथ पे मुड़ेंगे सवात की तरफ, सवात मोटरवे पे, फिर सीधा सवात। तकरीबन हमें लगेंगे 4 से 5 घंटे, क्योंकि हमारे साथ हैं छोटे छोटे बच्चे, सबसे शरारती बच्चे ये, सबसे शरारती बच्चे, और इस शरारती बच्चे का अब्बा ये। किलोमीटर गुजरने के बाद हम ये वाला M1 जो था ये ख़त्म हो गया। इसके बाद सवात वाला मोटरवे शुरू हो जाएगा। तो इसका टूल जो पड़ा है आगे लिखा होगा बताते हैं, टूल्स का सामने 260 रुपये लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ तक का 260 रुपये बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। हमने ये इमरान भाई से 260 रुपये मांगे, हमने वाला 260 रुपये थे, तो इमरान भाई ने 260 रुपये दिए। सॉरी भाई, 240 रुपये, 140 रुपये लगे, तो हमने खाली खामखाई 260 बोला, 40 रुपये लगे। आप उसमें चढ़ेंगे सवाद वाले में, फिर पता चलेगा कितने। मोटरवे पे हम लोग आ गए, इन्होंने हमें ये पर्ची दिया। अभी सवात मोटरवे पे पहला रेस्ट रूम मिला है, तो ये रेस्ट करेंगे, थोड़ा नमाज वमाज पढ़ेंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे। तो ये बाकी यहाँ पे बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है कौन कौन सी जगहें होंगी। तो 1 घंटे का सफ़र रह गया सवात का, तो पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हम लोग सवात टनल के अंदर आ गए, अभी यहाँ पे हम हरकत करने वाले हैं कराची वाली, यू नो कराची, आ जाए। अभी हमने सवात मोटरवे खत्म कर दिया, अब देखते हैं यहाँ का टूल कितना है। अब तक हमने इस्लामाबाद से सफ़र जो किया है वो 175 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं, 2 साल के रहे हैं पेट्रोल के, अब तक तो तकरीबन लगभग 1500 रुपये का पेट्रोल या 1200 तक का लगा पेट्रोल। मतलब अगर हम लोग आने ना टंकी में कर सकते हैं, बाकी सब आप जो है कितना पेट्रोल खर्च होता है। हमारा टूल लगा है 160 रुपये लगा है टूल, और वहाँ भी 160 लगा था, तो 160 160, 320 रुपये, ठीक है भाई। ये आ गया भाई सवात के रास्ता, और अब हम जा रहे हैं सवात वैली, स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान।
अभी हमने मैंगोरा में कयाम किए यहाँ, और इसके बाद अभी हम यहाँ पे व्हाइट हाउस जो है, क्योंकि हम यहाँ लेट पहुँचे थोड़ा 5 बजे, आगे जाना भी फजूल है, रास्ता नहीं है, तो उसके बाद अभी हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे व्हाइट हाउस है वो देख रहे हैं, वो देख के उस पर यहाँ स्टे करेंगे। अभी सुबह हम निकलेंगे कलाम के लिए, कलाम में ग्लेशियर वगैरह जो भी है देखेंगे, उसके बाद मदीन में जो मदीन वाली जगह देखेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे मालम जब्बा, फिर मालम जब्बा के बाद वापसी। जब मैंगोरा में पहुंच के हमने इंतजार क्या नाम है रेस्ट किए बगैर हम लोग व्हाइट हाउस की तरफ आ गए, और यहाँ गाड़ी पीछे लगाई हमने और सामने व्हाइट हाउस का रास्ता है, तो रश काफ़ी है, काफ़ी मकामी भी काफ़ी हैं और गैर मकामी भी काफ़ी हैं। और मेरे साथ कौन है? आमिना और इमरान भाई और उनका सबसे शरारती बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? मानिक मोहम्मद मानिक। यहाँ पे एंट्री टिकट 50 रुपये, ये वाले अंकल ने दिए पड़े हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या वो सामने व्हाइट पैलेस है। रास्ता बड़ा अच्छा था, मज़ा आया ड्राइव करके। पहले हम ड्राइवरों के साथ बैठते थे, हमें डर लगता था, लेकिन आज खुद चला के आए तो एंजॉय करते हैं। तो अभी चलते हैं, कहाँ पे वासिफ? अंदर घूम गई है, इसकी मम्मी पापा घूम गए तो ये परेशान हो रही है, इसकी मम्मी पापा अंदर हैं। तो भाई बराए मेहरबानी अपने बच्चों का ख्याल रखें, इधर उधर ना छोड़ें। अभी अंदर अंदर लेके नहीं जाओ, आज सुबह जो हमने अंदर आने के दिए थे उसमें ये हमें जूस भी दे रहे हैं, इन्होंने 50 रुपये में हमें जूस भी दिया। भाई सही है भाई। निकल रहे हैं व्हाइट हाउस से आगे और अभी होटल जाएंगे, आराम करेंगे, फिर कल निकलेंगे हम लोग कलाम के लिए।